फरमाए, ऐसे जब वक्त आखिरी नबूवत आया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे भगवान राम और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी थे और उनके बच्चे भगवान राम के लव कुश थे, ऐसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा और हजरत तमाम हुसैन और हसन हुसैन जैसे लव कुश थे। बात आप सब जानते हैं, एक आदम एक आदम एक आदम आया दुनिया में जब तकलीफ के कायनात में एक आदम आले सलाम जिसको कहते हैं शिव भगवान और शक्ति, ऐसे आदम आले सलाम और अम्मा हवा। तो मेरे भाइयों, हमारा बाप एक ही, लड़ाई झगड़ा फितरा फसाद किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं। हम सबको प्यार और मोहब्बत सिखाता है हर मजहब, मजहब प्यार से ऊपर कोई नहीं सिखाता। ये थोड़े रस्ते अलग अलग बना दिए जो हमारे आगे अधिकारी आए, कोई सीधा पगडंडी में पड़ गया, कोई सीधा पार चढ़ गया, कोई गुम गुम आगे गया, जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। पाई पाई का तिल तिल का हिसाब रबुल इज्जत खुदा ताला या ओम का जिसको कहते हैं निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं, उसने दुनिया में भेजा है, इंसानियत के लिए भेजा है, तफरीक के लिए, लड़ाई के लिए, फितना फसाद के लिए नहीं भेजा है। ये दुनिया प्यार मोहब्बत से जिंदगी बसाने की चीज़ है, फितना फसाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जो फितना फसाद इस खुदा की, भगवान की, अल्लाह पाक की, उस ओंकार की, उस वाहेगुरु की इस दुनिया में फसाद करता है, एक दिन उसका वो हशर होता है कि मिसालें आप पिछली किताबें पढ़ लीजिए, हर किताब में जिक्र किया गया। जय
दोस्तों जी आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।